मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। नंबर गेम, नंबर जैसा कि ये कहा जा रहा है, नंबर गेम की आप बात कर रहे हैं तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देयर इज नो नंबर गेम। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और बहुमत के साथ थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार आज भी बहुमत के साथ है और बहुमत के लिए जो आंकड़ा चाहिए उससे कई ज़्यादा बड़ा आंकड़ा इस टाइम यहां पर एक ही चार दीवारी के अंदर वो बहुमत मौजूद है। कितना नंबर कितना है? 109 109 है। क्लेम किया जा रहा है कि उधर 25 से ज्यादा एमएलए हैं, विधायक ऐसा है। क्लेम करने में तो आप भी क्लेम कर लो कुछ भी, तो क्लेम का कोई अंत नहीं है। लेकिन मैं तो वो बात बता रहा हूँ जो यहाँ पर मौजूद है और जो हमने खुद ने हस्ताक्षर करे हैं। हस्ताक्षर में हमने खुद ने नाम पढ़े हैं, संख्या आई है। ऐसा आप कह रहे हैं कि सचिन पायलट जी बोल रहे हैं? सचिन पायलट जी भी आज की तारीख में और इस समय पे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और अभी तक सचिन पायलट जी के अधिकृत फेसबुक पे या ट्विटर पे उनका एक भी कोई बयान या कुछ अगर लिखा हो, बताया हो तो आप मुझे बताओ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भाकर उन्होंने कहा गुलामी स्वीकार नहीं है। ऐसा है, मुकेश भाई भी हमारा साथी विधायक है। इम्पोर्टेंट बाइट चल रही है, मैं मुकेश भाकर भाई भी हमारे साथ का विधायक है, हमारा साथी है। तो हो सकता है कोई मुकेश भाई का अपना कोई इंडिविजुअल बात हो या कोई बात हो, लेकिन जो बात जिस बात पे बात शुरू हुई थी सचिन पायलट जी की बात पे, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, वो इस समय राजस्थान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे नेता हैं और अभी तक सचिन पायलट जी ने, जिनको हम लीडर मानते हैं, उन्होंने अधिकृत उनके ना फेसबुक पे ना ट्विटर पे ना कोई स्टेटमेंट किसी प्रकार की कोई बात नहीं कही है। हाँ, जो आप कह रहे हैं मुकेश जी ने ये कहा या किसी और ने कुछ कहा, तो हर आदमी को अपने इंडिविजुअल कुछ भी कहने का फ्रीडम है। सो यू कैन नॉट टेक एवरीथिंग ऑन दैट टेंजेंट। आप कह रहे हैं मैं सचिन पायलट के साथ हूं, आप किसके साथ हैं जी? दूरियां दूर होनी चाहिए क्या? आप मुझे बताओ, क्या हर चीज राजनीति है? दूरियां ना, तो मैं तो कहता हूँ आपकी भी दूरी कभी किसी से दूर नहीं होनी चाहिए, नजदीकी हमेशा बनी रहनी चाहिए। बीटीपी ने कहा है, कुछ चेतन भाई से भी पूछो, आप जवाब दो। चेतन भाई से ऐसा है, सबसे पहले तो हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में सरकार है, सचिन पायलट जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और अशोक गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही। अरे मैं और जवाब दे दूंगा भाई से भी। आई विल आंसर देखिए मुझे इस चीज की जानकारी जो वो ये कि जो उनकी पार्टी के विधायक हैं वो हमारे साथ हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं और उनका पूरा का पूरा समर्थन जितने दो विधायक हैं हमारे कांग्रेस को दे रहे हैं। उन्होंने ये आज दिन में पार्टी की जब मीटिंग हुई विधायक दल की, उसमें ये साथ थे, अभी हमारे बीच में मौजूद है। देखिए ऐसी कोई मांग आई नहीं, सुरजेवाला जी ने ये बात कही, वेणुगोपाल जी ने ये बात कही, अविनाश जी पांडे ने ये बात कही कि अगर हमारे कोई साथी कहीं दूर बैठे हैं तो उनसे बातचीत की जाएगी और बातचीत के जरिए उनको वापस साथ लाने की बात ये चल रही है। और मुझे उम्मीद है
कि जो भी पार्टी के साथी अगर कहीं पे भी हैं आज यहाँ मौजूद नहीं हमारे बीच में, वो यहाँ पे आएंगे और हमारे साथ इस पार्टी को फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार को मजबूत करेंगे, इसमें कोई शक कोई शुबा नहीं है। देखिए जो प्रस्ताव रखा गया था उस प्रस्ताव के बारे में ये तय किया गया कि जो बड़े नेतृत्व है वो तय करेंगे, और जहाँ तक बात है कहीं कोई छोटी मोटी नाराजगी है तो शायद अगर कहीं बातचीत के जरिए कोई समाधान होता है तो समाधान को भी पूर्णतया नज़र में रखते हुए समाधान किया जाए। ऐसा है जो आप प्रस्ताव की बात कह रहे हो, हमारी कांग्रेस पार्टी की परंपरा है कि जो भी हाईकमांड फैसला करता है उस हाईकमांड के फैसले को कांग्रेस पार्टी में स्वीकार किया जाता है। तो आज की तारीख में हम सब ने मिलकर के जो भी बात है हाईकमांड तक पहुंचाई गई है, और जो हाईकमांड का फैसला होगा वो हमारे सर मानते हैं। लेकिन सर मुकेश भाकर का इतना बड़ा बयान कि अब अशोक गहलोत की गुलामी नहीं सही जाएगी, पार्टी को क्या नहीं लगता कि अब इतनी लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे सारी चीजें आ गई हैं तो पार्टी को कोई नोटिस जारी करना चाहिए? ये जो आप बात कह रहे हैं कि मुकेश भाई ने ऐसा कहा है और आपका कहना है कि उनको ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो ये अनुशासन की बात आती है, और अनुशासन के बाद कांग्रेस पार्टी में समझता हूँ विश्व में सबसे बड़े संगठनों में एक संगठन है, तो हर चीज़ की यहाँ पे बात भी सुनी जाती है, सुनवाई भी होती है, और कोई बात गलत भी होगी तो उस पर हमारा पार्टी का आला कमान, पार्टी की कमेटी, पार्टी के महासचिव उस पर उसकी सुनवाई करेंगे।